हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेट पूजा। सभी को चीज़ बहुत पसंद है, उसमें अगर घर का चीज़ बना हो तो वो भी बिना मैदे का, है ना हेल्दी और न्यूट्रिशियस ऑप्शन। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी कॉर्न डोरिटो सैंडविच बाइट्स, जो बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत पसंद करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। चीज़ सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ml दूध, 1 चम्मच बटर। मैंने यहाँ पे ज्वार का आटा लिया है जो मैदे का रिप्लेसमेंट है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार और नमक भी स्वादानुसार। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं, एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। गैस को धीमी आंच पर ही रखिएगा, नहीं तो बटर जल जाएगा। इस तरह से आप स्प्रेड कर लीजिए। बटर पिघलने लगे तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच जवार का आटा। अगर आपके पास जवार का आटा ना हो तो आप राइस आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसमें 3 चम्मच आटा मिला लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बटर एब्जॉर्ब हो जाए तो अब हम इसमें 200 ml दूध डालेंगे। दूध से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे चलाते रहिएगा ताकि लम्स ना हो। इसे 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते रहिए। ये देखिए, चलाते चलाते अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। चीज़ सॉस बनकर रेडी है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीज़ी सॉस बनकर रेडी है, परफेक्टली डन है। इस वक्त गैस बंद कर ले। देखिए, बड़ी ही सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर आया है। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इस सॉस को आप बना के एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। 2 हफ्ते तक ही अच्छा फ्रेश रहेगा। बट आप जितना फ्रेश बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे उतना ही अच्छा है। इस सॉस को आप रोटी रैप्स, पिज़्ज़ा, पास्ता डिप, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और क्रीमी बना है। ये चीज़ सॉस लो इन कैलोरीज और पौष्टिक भी है। अब डोरिटो सैंडविच बाइट्स के लिए हमें चाहिए चीज़ी सॉस, बॉयल किया हुआ मकाई के दाने, कटी हुई हरी शिमला मिर्च। मैंने डोरिटोज लिया है, आपको कोई भी स्टोर्स में मिल जाएगा, साथ में काली मिर्च पाउडर। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें कटोरी में मिक्स कर लेते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, प्याज, गाजर, टोमेटोज, पनीर। ये देखिए, अब मैं इसे चीज़ सॉस को मिला रही हूँ। चीज़ सॉस को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। देखिए, मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा पानी ऐड करने से ये टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा और खाने में उतना ही अच्छा भी लगेगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी ऐड कर लिया है, मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट पे इस तरह आप डोरिटोस फैला दें। आप नाचोस कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह नाचोस के ऊपर हमें इस स्टफिंग को ऐड करना है। 1 डोरिटो पे 1 चम्मच चीज़ सॉस। देखिए, इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। और अब हम इसके ऊपर दूसरा डोरिटो लगा देंगे ताकि ये एक बाइट, सैंडविच बाइट की तरह रेडी हो जाए। ये देखिए, डिश बनकर रेडी है। बड़ी इजी और डिलिशियस रेसिपी है, झटपट बनकर रेडी हो जाती है। इसका टेस्ट बिल्कुल मेल्टेड चीज़ जैसा लगता है। जैसे आप इसे खाएंगे वैसा आपको लगेगा कि ये एक्चुअली चीज़ से ही बना है। इसे सर्व कीजिए किटी पार्टीज़ में, बच्चों के पार्टी में। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे आई एम श्योर। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट एंड क्रीमी सॉस। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये रेसिपी और मुझे शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।